तो देखो भाई, ये है मेरी लेमन ग्रास और आज मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगी। इसके साथ ही बहुत सारे आपको इसके केयर टिप्स भी दूँगी और बताऊँगी कि ये क्यों ज़रूरी है, इसके बेनिफिट्स भी दूँगी। तो बने रहना मेरे साथ और देखते रहना क्या क्या दिखाती हूँ। सबसे पहले दिखा दूँ ये पॉट, ये जो वेस्ट कपड़े या टॉवल वगैरह जो फटने उनके साथ सीमेंट से मैंने ये बनाया था 3 साल पहले, और अभी भी ये आराम से कई साल चल सकता है। लेकिन क्योंकि मुझे रिपोटिंग करनी है, पूरी तरह से बाउंड हो गई है मेरी लेमन ग्रास। पहली बात तो ये कि बड़े ध्यान से इसे पकड़ें, ये बिल्कुल ही बहुत तीखे होते हैं इसके ये, और खून निकाल देते हैं। तो मैंने इनको निकालने की कोशिश की थी टहनियों को, और बिल्कुल ही नहीं निकलती है। कुछ फ्रेंड्स की और कुछ मेरे नियर एंड डियर्स की डिमांड है कि उन्हें लेमन ग्रास चाहिए, और सबसे अच्छा मौसम है ये लेमन ग्रास को फिर रीपॉट करने का, और अच्छे से ये ग्रोथ ले लेगी। अच्छा खासा पॉट है ना, ये टूट जाएगा, मुश्किल है इसको सेफली बचाना। तो देखती हूँ इस तरह से कैसे निकालूँगी अब, और इसको थपथपाते हुए निकालूँगी मैं। तो क्या मुझे मिल रही है, कोशिश मेरी ये है कि मैं डंडे से ना कूटूं इसको। पूरी तरह से पॉट जो है मैंने कूट दिया है, और देखो पूरी तरह से ये ढीला भी हो गया है, आप देख सकते हो कितना ढीला हो गया, और यहाँ से मिट्टी भी छोड़ दी है इसने। लेमन ग्रास तो है वो निकलने का नाम नहीं ले रहा, इतनी ज़्यादा रूट बाउंडिंग हो गई है। ये पूरी तरह से ना बहुत मुश्किल हो रहा है इसको निकालना ही। फाइनली अब ये निकलने ही वाली है। इस तरह के पॉट में आगे से नहीं लगाऊंगी, ये जो है हाथ का बनाया हुआ था तो खुरदरा है थोड़ा सा, और इसलिए ये पूरी तरह से चिपक गई थी इसमें इसकी जड़ें। ये भी बहुत मजबूत है, ढीला हो गया है। ये देखो इसकी रूट बाउंडिंग कितनी बुरी तरह से हुई है, अंदर तक और पूरी तरह से चिपकी हुई थी आप देख। तो यहाँ से इसको काटूंगी मैं, आपको प्लेट की जैसी रूट निकल गई है इसमें, ये पत्थर का टुकड़ा बड़ा मुश्किल है, तो मैं इसे हाथ से निकालूंगी। इसमें जकड़ी हुई है जड़ी, बेनिफिशियल पौधा है। सुबह सुबह इसकी लेमन टी जब पीते हैं तो रस और नींबू का, तीनों के इसमें गुण हैं, और आप सभी को पता है ये सब चीज़ें कितनी गुणवान है। इसके अलावा इसके आसपास जो है मच्छर भी नहीं मिलते हैं, इसके पास जहाँ इसको रखते हैं आसपास मच्छर नहीं आते हैं। तो मैं भी इसके कई प्लांट लगा के घर के अंदर भी दरवाजे के पास भी रखूँगी। और देखो नहीं निकल रही थी जड़, अलग नहीं हो रहे थे प्लांट, तो इसको पानी में डाला है ताकि ये थोड़ी सी मिट्टी और हट जाए। बहुत बुरी तरह से गुथी हुई हैं जड़ें आपस में, मुश्किल हो रहा है इन्हें निकालना पेंचकस से। और ये पेंचकस का इस्तेमाल करके इसकी इनको जड़ों पे हटाया जा रहा है। डैमेज भी हो जाएंगी, पर फिर भी ये हार्डी प्लांट है, और थोड़ी सी केयर अगर करेंगे तो उग जाएगा फिर से। मौसम भी बरसात का है, बाल ही लग जाते हैं सिर के, और कंघी से उनको सुलझाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से इनको सुलझाया जा रहा है। इतना मुश्किल हो रहा है इसको निकालना, अलग करना, ये डैमेज मुश्किल से ही निकाला जा रहा है, बेहद मुश्किल हो रहा है। ख़राब ही हो जाएगी शायद ये, तो है ना, चलो लग जाएगी शायद। और ये निकली, इसी को लगाना है।
आपने देखा एक कितनी मेहनत से हमने इसको अलग किया है और अभी कितने सारे इसके टुकड़े कर लिए हैं। वैसे तो इतनी सी भी बहुत होती है ये, और ये भी लगा रही हूँ लेमन ग्रास काफी इस पॉट में भी, और मिट्टी डाल दूँ। बहुत अच्छा पौधा है, आप सबको लगाना चाहिए। और जरा सी इतनी सी भी एक भी जड़ लगाएं तो उससे भी हो जाएगा। तो कई पौधे मैंने बना लिए हैं और रोज़ाना इसकी चाय अगर आप पियेंगे तो यकीनन पेट संबंधी बीमारियां और सांस संबंधी बीमारियों से बहुत ही आराम मिलता है, मच्छर से तो मिलता ही है। और इसी तरह से जैसे मैंने प्रोसेस दिखाया है सभी पौधों को लगाएं, बस इसकी जड़ों को दबाएं, ऊपर तक ना दबाएं, कुछ ये नीचे हो जाएगी मिट्टी। बाकी भी इसी तरह से पानी डाल दूंगी और रख दूंगी छांव में, ये प्रोसेस आप सभी को पता है। और अब डाल दूंगी पानी दोनों में। तो देखो इसी का गदला पानी है, जो मैंने ये निकाली थी ना जड़ें साफ की थी, तो वही पानी डाल रही हूँ मैं। इस तरह से हो गया जैसे ऑपरेशन होता है ना, कोई अंग काट दिया जाता है, तो इसकी भी जब रूट प्रूनिंग होती तो वही हालत है। तो बड़ी केयर करें और बड़ा ध्यान रखें इसका, दोबारा से उभरने में टाइम लगता है। तो ये भी लिविंग थिंग है और इनको दोबारा से उगाना और हेल्दी बनाना है तो बड़े तरीके से रखें। बाकियों को भी ऐसे ही बनाऊंगी कई सारे, और फिर कुछ फ्रेंड्स को और नियर एंड डियर्स को दे दूंगी मैं। लेमन ग्रास के कितने प्लांट बना दिए, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 प्लांट बना दिए। बहुत अच्छा टाइम है ये रिपोर्टिंग का, रूट प्रूनिंग का और नए प्लांट बनाने का। तो आप भी बनाएं इसी तरह से।